वंश जिस देवकी को तू बड़ी धूमधाम से ले जा रहा है उसकी आठवीं संतान तेरा काल होगी। जैसे ही कहा अस्यास्तमो गर्वो हंता खड्गबाणे कचेग्रहीत, इसकी आठवीं संतान तेरा काल होगी। कंस ने रथ को रोक दिया, रथ से नीचे उतरा और नीचे उतर करके विचार करने लगा कि इसी देवकी, जिस देवकी को मैं बड़ी धूमधाम से ले जा रहा हूं, इसकी आठवीं संतान मेरा काल है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं देवकी को ही समाप्त कर दूंगा। तुरंत पकड़े केस देवकी के और खींच लिए नीचे। जैसे ही महाराज देवकी को खींचा, वसुदेव कहने लगे अय कंस फिर कहां हुआ जो आज तुम्हें, अरे यो आपे से बाहर हो और भगनी पर खड़ग उठाते हो, तुम वीर नहीं हो कायल हो, तुम वीर नहीं हो कायल हो, अरे तुम कैसे वीर हो जो अपनी बहन पर तलवार उठा रहे हो। वसुदेव कहने लगे अरे कोई भी देख नहीं सकता और इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, और यो तो विवाह मंडप पर ही सजती है चिता सुहागिन की, अरे तुम कैसे वीर हो जो एक नारी पर हाथ उठा रहे हो, अरे तुम तो वीरों के बाने में, तुम्हें नहीं लज्जा देता नारी पर हाथ उठाने में, कैसे वीर हो। एक बात और मैं बताऊं दाऊ साहब, लिखा है कहीं कि नारी पर हाथ उठाया जाए? किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि नारी पर हाथ उठाया जाए। अगर कहीं लिखा है तो मुझे बताओ, कहीं नहीं लिखा। क्यों मम्मा, लिखा है? नहीं लिखा। जबरदस्ती की के बेसही। देखो कछु लोग मुस्कुरा रहे हैं, कायदा हो जाओ। मन में एक बात घूम रही, क्या अरे ढोल गमार शूद्र पसुनारी, ढोल गमार शूद्र पसुनारी, पशुनारी ही सकल ताड़ना की अधिकारी, सकल ताड़ना की अधिकारी, एक चौपाई घूम रही ढोल गमार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। देखिए बड़ी सुंदर बात है, अगर ये बात आई है तो मैं बताए देता हूं। क्या लिखा? ढोल गमार शूद्र पशु नारी, कितने बिंदु हैं? पांच। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, पांच बिंदु, ध्यान से सुनना। और हथियार एक, क्या? सकल ताड़ना, सकल ताड़ना, सबके लिए एक ही हथियार ताड़ना। अब महाराज पांचों बिंदु लिखिए, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, पांचों बिंदु, और सबके पीछे ताड़ना 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 ताड़ना। अब पहला बिंदु उठाइए, ढोल प्लस ताड़ना, ढोल
जब तक आप खींचेंगे नहीं, जब तक आप कसेंगे नहीं, तब तक उसमें आवाज नहीं आएगी। जब तक आप उसको खींचेंगे नहीं, जब तक आप कसेंगे नहीं, जब तक उसमें आवाज नहीं आएगी। तो ताड़ना मीन्स खींचना कसना। दूसरा बिंदु गमार, गमार प्लस ताड़ना। गमार का अर्थ होता है जिसका कुसंगति में पढ़कर ज्ञान गायब हो गया हो, उसे कहा जाता है गमार। तो ताड़ना मीन्स ज्ञान देना प्लस समझाना। तीसरा बिंदु सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है सेवक। सेवक अगर स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे डांटा भी जाता है और समझाया भी जाता है। तो ताड़ना मीन्स डांटना प्लस समझाना। सूत्र के बाद आया पशु, पशु प्लस ताड़ना। आपने देखा है कि गाड़ी में जब बैलों को लगाते हैं तो कोई दाऊ साहब उसमें स्टेयरिंग लगी होती है, लगी होती है नहीं, क्या है रस्सी, इस तरफ रस्सी खींची इस तरफ मुड़ गए, इस तरफ की रस्सी खींची इस तरफ मुड़ गए। तो ताड़ना मीन्स इशारा, ताड़ना मीन्स इशारा करना। तो इस तरफ अगर रस्सी का इशारा कर दिया बैल इस तरफ मुड़ गए, इस तरफ रस्सी का मुशारा कर दिया इस तरफ मुड़ गए। पांचवा बिंदु आया औरत यानी नारी, नारी नारी का एक शब्द और है औरत। औरत की संधि विच्छेद कर दो, औधन रत्न। मां साहब ये तुम्हारे घर का रक्त नहीं है, तुम्हारे घर में बहू बनकर के आई है, ये दूसरे परिवार का रक्त है। जब दूसरे परिवार का रक्त है तो महाराज विचार भी उसके उसी जैसे, उसी परिवार जैसे होंगे। जब जो तुम्हारे परिवार में बहू बनकर के आई है तो उसके गुणों को समझना, अपने गुणों को समझाना, ना कि पड़ी गोस्वामी जी की तुल चौपाई के ढोल गमार सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी उठाया डंडा और पीटना चालू कर दिया। ऐसा कहीं नहीं लिखा सिद्धांत शास्त्र में। तो यहां तक कि कहा गया है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। बोलिए श्री वाके हरिलाली की। आज जैसे ही महाराज कंस से कहा वसुदेव ने तुम कैसे वीर हो जो नारी पर हाथ उठा रहे हो, महाराज कंस ने देवकी को छोड़ा और वसुदेव के ऊपर झपट पड़ा। जैसे ही वसुदेव के ऊपर झपटा तो देवकी कहने लगी ओ भैया, तलवार कंस की पकड़ ली और कहने लगी भैया अरे कैसी बेदी कैसा सिंदूर, अरे श्रृंगार कहां का साज कहां, और पति देव के जब प्राणों पर हो तो फिर पत्नी को लाज कहां, तो फिर पत्नी को लाज कहां। आज देवकी कहने लगी भैया अरे बोली उनका संघार नकल, अरे बोली उनका संघार नकल, अरे दासी का शीस काट पहले, और भैया खड़क बहुत ही भूखी है तो मेरा रक्त चाट पहले, और मेरा रक्त चाट पहले। आज महाराज देवकी हाथ पकड़ लेती है कंस का, कहने लगी भैया अरे पत्नी वही बड़ भागिनी है जो पति से पहले मरती है, पत्नी वही बड़ भागिनी है जो पति से पहले मरती है, और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भवसागर से तरती है।
अरे संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भवसागर से तरती है। आज महाराज कहने लगे इस प्रकार, देवी की कहने लगी, भैया अगर मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे आगे मेरे पति को हाथ मत लगाना। आज तुरंत महाराज वसुदेव देवकी कहने लगे, तुम्हारी दुश्मनी मेरी आठवीं संतान से है तो ठीक है, हम तुम्हें आठवीं संतान दे देंगे। आज जैसे ही महाराज वहीं रुक जाते हैं, कंस ने देवकी वसुदेव को लिया, बंदी बनाकर के कारागृह में डाल दिया। और जिस समय कारागृह में डाला, पहली संतान हुई, वसुदेव पहली संतान लेकर के पहुंचे। कंस ने कहा, ये मेरी, इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, आठवीं से है। नारद आए, देवताओं ने भेजा कि कंस के मन में अगर दया आ गई तो इसका जो पाप का घड़ा है वो नहीं भर पाएगा। भ्रमित कर दिया, एक कमल लिया और बताया कि देखो गिनो, पहली आठवीं, आठवीं सातवीं, सातवीं पहली, पूरा चक्र घुमा दिया। अब समझ में ना आए क्या करूं। कंस की जब बुद्धि भ्रमित की तो महाराज कंस समझ गया कि सातवीं आठवीं हो सकती, पहली आठवीं हो सकती है। तुरंत एक एक करके छह संतानें बुलाई और समाप्त कर दिया। सातवीं में स्वयं बलराम जी की बारी आई और भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया को आदेश दिया, कहा जाओ देवकी के गर्भ से ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और प्रचार कर दिया कि देवकी की सातवीं संतान स्खलित हो गई, यानी सातवां गर्भ स्खलित हो गया। और इधर योग माया ने वैसा ही किया और आठवें में स्वयं भगवान की बारी आ रही है। अब चारों तरफ कंस का अत्याचार छाया हुआ है और चारों तरफ देवता सब भगवान के पास गए। गाय पृथ्वी गाय का रूप बनाकर के भगवान के पास जाती है और कहती है,